मोदी केयर है क्या और किस तरीके से हम मोदी केयर से फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में है और इसी चीज़ को बताने के लिए, क्लियर करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। मोदी केयर इज़ द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1996। दोस्तों, मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि 1996 से इंडिया में रन कर रही है। आज की डेट में इसको 24 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, मोदी केयर एक मोदी ग्रुप की कंपनी है। मोदी केयर IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडेड मेंबर है। और दोस्तों, मोदी केयर एक इंडिया की सफल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इस तरीके से मोदी केयर का परिचय तो हो गया दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या रखा है हमारे लिए, कि हम किस तरीके से इस कंपनी से बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मोदी केयर प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू कॉमन पीपल ऑफ इंडिया विदाउट आस्किंग देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अल्ट्रा सक्सेसफुल अगर उसको बनना है तो उसको पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, एक ये मिथ है दोस्तों आज की डेट में। लेकिन मोदी केयर ने ये साबित किया है, ये सबके लिए कॉमन है। यहाँ कोई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो, इससे मैटर नहीं करता। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो भी आप मोदी केयर में बिजनेस कर सकते हो। अगर आप अच्छे ग्रेजुएट हो तो भी आप कर सकते हो, और लोग कर भी रहे हैं दोस्तों। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग यहाँ जॉब बिजनेस कर रहे हैं, और जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों कास्ट की। ज़्यादातर देखा गया है कि जो अच्छे कास्ट के होते हैं उनको कुछ अच्छी जॉब मिल जाती है, जो लोअर कास्ट के होते हैं उनके लिए, मतलब कास्ट सिस्टम भी इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है। पहले और भी ज़्यादा था, अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मोदी केयर में बिजनेस करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कास्ट के हैं। जेंडर दोस्तों, मेल और फीमेल, ये जो डिस्क्रिमिनेशन इंडिया या वर्ल्ड में चल रहा है, ये ज़्यादातर अभी भी बहुत सारे जगह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको काम करने दिया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मोदी केयर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और दोस्तों, 70% जो सक्सेसफुल स्टोरी मोदी केयर में है ना, वो ज़्यादातर फीमेल हैं। तो यहाँ पे फीमेलों को चांस इक्वल मिलता है और वो मेल से ज़्यादा काम करके दिखाती हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप भी इस बिजनेस को जरूर कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंस, अमीर लोग को अमीर बनने का बहुत सारे मौका होता है उनके पास, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको अमीर बनने का मौका बहुत ही कम होता है दोस्तों। उनके पास बहुत ही कम लिमिटेड चांस होता है अल्ट्रा सक्सेसफुल या सक्सेसफुल बनने का। लेकिन मोदी केयर आपको एक मौका देती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, अगर आप मिडिल क्लास पीपल हो, अगर आप मिडिल लोअर क्लास पीपल हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ आके एक इक्वल स्टेटस, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, और यहाँ पर आपको अपनी मेहनत स्किल्स को यूज़ करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और आप एक दिन सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद दोस्तों, टैलेंट। मोदी केयर में बिजनेस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सिंगिंग टैलेंट होना चाहिए, डांसिंग टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं भी है ना, यहाँ दोस्तों समझो स्किल्स और टैलेंट। टैलेंट वो होता है, अगर आप एक अच्छे सिंगर हो, आपका अगर क्या बोलते हैं वॉइस अच्छा है, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप सिंगर बन सकते हो। ये हो ये दोस्तों टैलेंट। लेकिन मोदी केयर में रिक्वायर्ड होता है स्किल, नॉट टैलेंट। यहाँ पे अगर स्किल्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सफलता बहुत ही जल्दी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास रिक्वायर्ड नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स नहीं भी हैं, तो भी आप यहाँ पे उस स्किल्स को सीख सकते हो। लेकिन टैलेंट नहीं सीखा जा सकता दोस्तों, लेकिन स्किल्स सीखी जा सकती है। तो आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ये चीज़ भी पॉसिबल है। उसके दोस्तों, अगर एज की बात करूँ तो 18 साल से अबव जो भी हैं वो इस बिजनेस को लीगली करने के लिए परमिटेड होते हैं। 18 साल के बाद अपनी आईडी आप मोदी केयर में बना सकते हैं, और 18 साल से अगर कम है तो आप अपने पेरेंट्स की आईडी यहाँ पे बनवा सकते हैं, और उनके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे वजह है इस बिजनेस को करने का, और बहुत ही कम वजह है इस बिजनेस को ना करने का। लेकिन देखते हैं कि आप उसमें से क्या चूज़ करते हो, कि आपको ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, बिजनेस क्यों करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे करना है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास बिजनेस को करने के लिए एक प्रोडक्ट है, जो जरिया है हमको हमारा बिजनेस का बेस बनाने के लिए। तो जो प्रोडक्ट हैं वो तो बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, जिसे हम डेमो के थ्रू प्रूफ करते हैं, और जो हमारा प्लान है इतना अट्रैक्टिव और इतना शानदार, उससे लोग हमसे ज्वाइन होते हैं। लेकिन दोस्तों, देख लेते हैं एक नज़र कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है। दोस्त, अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो फिर से बताते हुए बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है कि हम लोग एक पहली ऐसी कंपनी है जिनके पास 11 कैटेगरी के लगभग 450 प्लस प्रोडक्ट हैं। जो है सबसे पहला कैटेगरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो वेलनेस के प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब पैसे कमाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। आप जानते ही हैं हेल्थ इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो हमारे पास ये मौका है कि हम सप्लीमेंट के बेहतर नॉलेज लें, सप्लीमेंट की ट्रेनिंग्स लें, और लोगों को नेचुरल तरीके से कैसे बीमारी से दूर रहना है, कैसे अपने बॉडी को फिट रखना है, उस चीज़ का नॉलेज दें, और वहाँ से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये भी एक सेक्टर है हमारे पास। बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं हम इसको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, और जहाँ दवाई काम नहीं आती दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि सप्लीमेंट वहाँ बेहतर रिजल्ट देता है। तो एक एक
प्रोडक्ट जो हमारा कैटेगरी है उसके ऊपर तो दोस्तों एक एक घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्ट में अभी डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो हेल्थ केयर के बाद आता है दोस्तों कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक का भी बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास सभी तरीके के कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं। लॉन्ड्री केयर, एग्रीकल्चर, भारत एक खेती प्रधान देश है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत हाई रहती है और बेस्ट क्वालिटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं दोस्तों। सारे चीज़ के डेमो अवेलेबल हैं, लोग जब एक बार यूज़ करते हैं तो रिपीट डिमांड शानदार तरीके से आती है। उसके बाद हो गया होम केयर के प्रोडक्ट, घर के साफ सफाई के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बर्तन धोने से लेके पोछा मारने से लेके टॉयलेट साफ करने तक टोटल प्रोडक्ट है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद आता है स्किन केयर, हर कोई चाहता है सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, तो दोस्तों स्किन केयर हमारे पास उस बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है जो लोग यूज़ करते हैं तो उन मतलब रिपीट डिमांड बहुत ही अच्छा आता है, लोग खुद से इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, लेते हैं, उनका फेवरेट प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं स्किन केयर। ऑटो केयर, ऑटो केयर में पॉलिश है, वॉश है, फूड एंड बेवरेज, हम लोग को खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं हम लोग इंडियन, तो दोस्तों हमारे पास फूड एंड बेवरेज के बहुत प्रोडक्ट हैं, देसी घी, तेल, मसाले, पास्ता, कैंडीज, ये सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद पर्सनल केयर जो कि एक वास्ट रेंज है जहाँ पे बहुत बड़ा टर्नओवर निकल के आता है दोस्तों मार्केट से, जो है सोप, पेस्ट, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, इस तरीके से और भी जितने हेल्थ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। ज्वेलरीज है और एक लास्ट कैटेगरी है दोस्तों 11th कैटेगरी, वो है माइटी गार्ड, मतलब मोबाइल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट अभी शो कर रहे हैं। आप जान ही रहे हाल ही में अभी इंडिया के ऊपर चाइना अटैक करने वाला था, साइबर अटैक, तो अगर आप इसको यूज़ किए रहोगे अपने मोबाइल पर, अगर आप इंस्टॉल है, तो ये किसी भी तरीके के डाटा को लीक होने से बचाता है दोस्तों। तो ये सारे प्रोडक्ट की बात हो गई, एक एक कैटेगरी प्रोडक्ट हमारा इतना पावरफुल है कि हमको लाखों लाख का टर्नओवर वो दे सकता है। तो हमारे पास तो दोस्तों 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक पहली ऐसी कंपनी जो 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट को रखती है अपने अंडर में और हमारे पास ऑप्शंस रहता है। अगर हम सारे कैटेगरी में काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं, या धीरे धीरे एक एक कैटेगरी का अच्छा नॉलेज लेके उसके ऊपर काम करके हम लोगों को रिजल्ट देके अपनी टीम अच्छी बना सकते हैं। दोस्तों जितने प्रोडक्ट आपने अभी देखे वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो हम यूज़ ऑलरेडी घर में अपने कर रहे हैं, हो सके तो हम तीन तरीके से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केट अपने आसपास के किराना स्टोर से, दूसरा तरीका होता है दोस्तों ऑनलाइन मॉल से परचेस करते हैं, तीसरा तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों देखते हैं इन सारे तरीकों में डिफरेंस क्या है। दोस्त जो डिफरेंस होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि कैसे वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है हम तक और कैसे हमको प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बनता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उसके बाद वो जाता है CNF एजेंट के पास, फिर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है शॉप्स रिटेलर के पास, फिर मिलता है कस्टमर को। उसके बाद में दोस्तों हम टीवी में उसका ऐड देखते हैं, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में भी उस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता होगा। तो क्या लगता है आपको वो जो एडवर्टाइजमेंट और बीच वाले जितने भी लोग हैं उसको पैसा कंपनी देती है? जी हाँ, उसको पैसा कंपनी ही देती है, लेकिन वो जो पैसा होता है वो हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ का जो कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट में जोड़ लिया जाता है और कहीं ना कहीं कुछ कोई भी प्रोडक्ट है वो 40% में बनता है लेकिन हम तक आते आते वो 100% हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है 40 रुपये का सामान तो हमारे तक आते तक 100 रुपये हो जा रहा है, लेकिन वहाँ 1 किलो कोई सामान बना तो हमारे तक आते तक 2 किलो नहीं होता, वो 1 ही किलो होता है, और बीच में अगर कोई धांधली हुआ तो और कम हो जाएगा लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन पैसा इतना क्यों बढ़ जाता है? यही होता है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब अगर रेगुलर हम शॉप वगैरह से परचेस करेंगे नॉर्मल तो वो इस पुराने तरीके से काम करता है, और ये पुराने तरीके में एक जो सबसे नीचे जो होता है कस्टमर उसका बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको नॉर्मल शॉप से परचेस करना है या उसके बाद जो आगे हम बताने जा रहे हैं वो सारी चीज़ों से परचेस करना है। अब जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है ई कॉमर्स। हम आज की डेट में कहीं ना कहीं ऑनलाइन परचेसिंग करना चालू कर चुके हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो वो कैसे हमको प्रोडक्ट सस्ते में देता है उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा वो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट जहाँ मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट वहाँ से वो खुद डायरेक्ट ला लेता है और डायरेक्ट कस्टमर तक देता है, बीच में होलसेलर, रिटेलर ये सारे नहीं होते तो उसको बहुत सारा पैसा बीच में बच जाता है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ भी होता है। यहाँ लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कुछ नॉर्मल ऑफर मिलते हैं या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से ई कॉमर्स से भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिटेल से ज़्यादा बेनिफिट हमको ई कॉमर्स या फिर जो मॉल होते हैं, डीमार्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ बेनिफिट हो जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा प्रोग्राम है, तो जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है कस्टमर को। अब कैसे होता है उस चीज़ को अपन समझते हैं। यहाँ डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है जहाँ से सामान बनता है मैन्युफैक्चरर से उस वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है और इसीलिए कस्टमर का बेनिफिट होता है, गिफ्ट, ऑफर, ये सारी चीज़ तो मिलते ही हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक मौका मिलता है कस्टमर को खुद एडवर्टाइज़र बनने का, खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, खुद रिटेलर बनने का, हर चीज़ यहाँ दोस्तों कस्टमर ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो होता है एक यहाँ पे कस्टमर का। और देखते हैं मोदी केयर किस तरीके से हमको ये डायरेक्ट सेलिंग की बेनिफिट को पहुँचाती है हम तक। दोस्तों मोदी केयर सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट लोगों तक पहुंचा रही है। यहाँ पे एक नॉर्मल कस्टमर ज्वाइन करके 60% तक का डिस्काउंट ले सकता है, 60% तक का बेनिफिट ले सकता है अपने परचेसिंग के ऊपर, गिफ्ट और ऑफर ये सारे उसमें इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक नॉर्मल कस्टमर
कस्टमर यहाँ पे आके एक मिलियन डॉलर बिजनेस का बिजनेस बिल्ड कर सकता है, कार फंड, टूर फंड और हाउस फंड यहाँ से अचीव कर सकता है दोस्तों। तो ये पावर होती है एक डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ एडवर्टाइजर भी आप होते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप होते हो, सारे चीज आप होते हो। जो वहाँ पे रिटेल मार्केट में बड़े बड़े होलसेलर रिटेलर लोगों के घर पे कार होता है, उनको कंपनियाँ टूर देती है, आपके पास भी मौका है कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर को ज्वाइन करो और ये सारे बेनिफिट आप वहाँ से ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है, जैसे कि मैंने आपको सामने आगे मैं समझा भी चुका हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने ज़िंदगी का 60% जो पैसा होता है वो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसे ही जाने देना है, या खुद मोदी केयर में आपको आना है, सेल्फ यूज़ करना है, लोगों को शेयर करना है और पैसे कमाने हैं दोस्तों। आप अपने ज़िंदगी का और दूसरों की ज़िंदगी का 60% पैसा, 60% समय बचा सकते हो, जो कि हम आज की डेट में लोगों का नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर वो पावर है दोस्तों, हमारे अंदर वो पावर है, हमारे सिस्टम के अंदर वो पावर है कि हम लोगों का 60% लाइफ बचा सकते हैं, 60% पैसा लोगों का हम बचा सकते हैं।